हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मेंटर विवेक सिंह और हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। अब भैया, जो ये इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट कितने हैं, कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था हमने। अब इस बुक का जो आपका पहला यूनिट है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो है बेसिक इंटरनेट स्किल्स, यानी कि इंटरनेट चलाने की स्किल्स, बेसिक स्किल्स हमें ये सीखनी है। वैसे तो आप सभी लोग इंटरनेट चलाते ही हो, गूगल चला ही रहे हो, ब्राउजर चला ही रहे हो, है ना, पर वो स्किल्स हमें यहाँ पढ़नी है थ्योरेटिकल। तो बेसिक स्किल्स क्या है इंटरनेट की, तो भैया जो इंटरनेट चला रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन का मतलब खाली अपनी नहीं, दूसरे की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन है। जब बहुत सारे नेटवर्क मिलते हैं तो इंटरनेट बनता है। अब बहुत सारे नेटवर्क मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटरों पर इंटरनेट चल रहा होगा, इसका मतलब है कि वो सब आपस में कनेक्टेड है। कितना बड़ा नेटवर्क है सोचो। जहाँ अच्छा, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हों, है ना। अब इंटरनेट का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं जब वो सारे आपस में जुड़ जाए, है ना, तो वो इंटरनेट कहलाता है। यानी कि ऐसे नेटवर्क्स का कलेक्शन जहां पर बहुत सारे नेटवर्क मिलकर एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, या वो जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक, चलो थ्योरी देखते हैं थोड़ी सी। दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है भैया, इंटरनेट कहते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से संचार करने के लिए जोड़ते हैं, तब एक नेटवर्क का निर्माण होता है और उस कंप्यूटर नेटवर्क, उस कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। इसी तरह जब विश्व स्तर पर कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तब इंटरनेट का निर्माण होता है। इसलिए इंटरनेट को विश्व स्तरीय या विश्वव्यापी नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट में प्राइवेट और पब्लिक स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, गवर्नमेंट आदि के कई छोटे छोटे नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं। ये तो अभी हम आगे देखते जाएंगे कौन कौन से नेटवर्क हैं, जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। इतना समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय, अच्छा देखो, सबसे पहले जो इंटरनेट था वो कब स्टार्ट हुआ, दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1969। किसने एस्टैब्लिश किया, जो सबसे पहला इंटरनेट था उसको इंटरनेट नहीं कहते थे, खैर उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था आर्पानेट। आर्पानेट क्या था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। किसने बनाया था, अमेरिकन डिफेंस ने, मतलब अमेरिका की जो डिफेंस आर्मी थी, डिफेंस आर्मी, उन्होंने इस सिस्टम को तैयार करा था सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, नामक परियोजना के तहत 1969 में इंटरनेट को विकसित किया गया था। 1990 में के दशक में आर्पानेट, एनएसएफ नेट और अन्य निजी नेटवर्कों के इंटरनेटों पर काम करने का परिणाम इंटरनेट में हुआ। भारत में भी इंटरनेट सन 1990 में ही आया था, 1990 के बाद के दशक में आया था। कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू लाए थे, किस उसके तहत लाए थे, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन चला था, है ना, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत भारत, उनका एक विजन था कि भाई भारत के हर घर में मैं कंप्यूटर दे दूंगा और सब कंप्यूटरों में इंटरनेट चल रहा हो। तो सन 1990 में भारत में पहली बार इंटरनेट चला था, इंटरनेट लाया गया था। वो बात अलग है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट ऑफिस में चला था। तो कब इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ, इंटरनेट स्टार्ट हुआ सन 1969 में। किसने बनाया, किसने विकसित करा, आर्पानेट के नाम से विकसित हुआ था और आर्मी डिफेंस ने अमेरिकी रक्षा में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए तैयार करा गया था ये। और 1990 के दशक में अलग अलग टाइप के नेटवर्क आ गए थे आपके, इसलिए इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसमें लाखों कंप्यूटिंग डिवाइस शामिल है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी ले जाते हैं और स्थानांतरित करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम, जीपीएस यूनिट, सेलफोन, कार अलार्म और वीडियो गेम्स कंसोल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है इंटरनेट।
अब एक वर्ड बार बार आ रहा है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क, छोटा नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, स्कूलों का नेटवर्क। अब ये नेटवर्क है क्या भाई, क्वेश्चन उठता है ना कि सर ये नेटवर्क है क्या। तो भाई साहब नेटवर्क क्या है, जब कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हो तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। सिंपल सी बात, जब एक जैसी चीजों का समूह इकट्ठा कर दिया जाए वो नेटवर्क कहलाता है। सोशल मीडिया भाई, सोशल नेटवर्क को कहते हैं ना, सोशल नेटवर्क मतलब क्या, जिसके साथ जितने लोग जुड़े हुए होंगे उसका सोशल नेटवर्क उतना मजबूत है, जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनका उतना मजबूत नेटवर्क है, ये तो होता है। तो नेटवर्क मतलब जैसे इंसान के साथ इंसान जुड़ा हो तो वो उसका नेटवर्क है, सामाजिक नेटवर्क। चेयर रखी हुई बहुत सारी एक जैसा ग्रुप, नेटवर्क है। तो जब एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर देते हो या एक ही जैसी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो नेटवर्क तैयार, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क यानी जहां कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। आसान शब्दों में कहें तो किसी कंप्यूटर में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का जुड़ना नेटवर्क कहलाता है भैया। नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक नेटवर्क को वायर तथा वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ तारों से जोड़ा जाता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, अब तार धीरे धीरे खत्म हो गए। अब आप लोग अपने फोन को आपस में कनेक्ट कर सकते हो ना थ्रू ब्लूटूथ से भी जुड़ता है, आपके फोन में गाने बज रहे हैं स्पीकर बज जाता है, कनेक्ट हो गया थ्रू ब्लूटूथ बिना वायर के। पहले सिर्फ लीड लगती थी कान में, अब ब्लूटूथ भी आ गया। वायरलेस यानी कि कंप्यूटर्स को दोनों तरीके से आपस में जोड़ा जा सकता है, वायर से भी और वायरलेस माध्यम से भी। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि एक कोने से दुनिया के हर कोने तक डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। अभी बताया था कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन है इंटरनेट, है ना। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, आगे चलें। चलो जी सर आगे हैं। नेटवर्क्स आर डिजाइंड यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के भैया दो आर्किटेक्चर हैं, कौन कौन से हैं? पहला है पीयर टू पीयर और दूसरा है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है पहले तो ये बताओ, आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट कौन होता है? आर्किटेक्ट वो होते हैं भैया जो आपकी बिल्डिंग को डिजाइन करता है, जो बिल्डिंग का नक्शा बनाए वो आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर वो जो बिल्डिंग का नक्शा है वो उसका आर्किटेक्चर, कि वो अंदर से कैसी दिखेगी और बाहर से कैसी दिखेगी। ऐसे ही कंप्यूटर को जोड़ने का जो तरीका है वो दो तरीके से आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो वो आर्किटेक्चर दो हैं, कौन कौन से? पहला पीयर टू पीयर और दूसरा क्लाइंट सर्वर। दोनों आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं एक बार। पीयर टू पीयर कौन सा है भैया? पीयर टू पीयर को ऐसे मानो सोशल नेटवर्क, आपकी क्लास में 50 बच्चे सारे आपस में बैठे हुए, किसी एक बच्चे को कॉपी चाहिए, वो दूसरे से कह रहा है भैया कॉपी दे दे, उसने उसको कॉपी दे दी, बीच में तीसरा आ गया भाई मुझे भी ये कॉपी चाहिएगी, क्या हुआ? आपस में लड़ाई बच गई, ए दे थप्पड़, काम हो गया जी फिट। क्यों? क्योंकि कोई मैनेज करने वाला नहीं है। ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्लास के जब सारे बच्चे आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकें, जिसका जिससे मन कर सके वो उससे फाइल ले सके, उसको फाइल दे सके, दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। देखो यहाँ पे सारे कंप्यूटर, पीयर का मतलब यहाँ पे इस्तेमाल है कंप्यूटर, पीयर का मतलब क्या है? कंप्यूटर। हर कंप्यूटर दूसरे, जैसे ये एक कंप्यूटर देखो, सॉरी ये देखो, ये एक कंप्यूटर इन बाकी सारे कंप्यूटरों से कनेक्ट है, कनेक्ट है ना। ऐसे देखो ये वाला कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटरों से कनेक्ट है, तो यानी क्लास का हर बच्चा स्वतंत्र है आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। हर बच्चा दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर कंप्यूटर सारे कंप्यूटरों से आपस में कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर, ठीक। अब क्लाइंट सर्वर क्या है भैया?
चलो भाई, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, अब आपके बीच में आ गया टीचर, अब क्लास शांत होगी बिल्कुल। अब भैया क्लास में बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इफ दे वांट समथिंग। अब किसी बच्चे को अगर कोई कॉपी चाहिए या नोटबुक चाहिए, देन व्हाट ही और शी हैव टू डू, क्या करेगा वो? टीचर के पास जाएगा, सर मुझे ये नोटबुक चाहिए जी। अच्छा, अब टीचर उस बच्चे से कहेगा, हाँ भाई इधर आओ, इसे नोटबुक चाहिए, अपनी नोटबुक दे दो, वो लेंगे, उसको दे देंगे। सर्वर, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब जो वो बच्चे हैं जिनको हम पीयर कह रहे थे, वो बच्चे बन गए क्लाइंट, वो बच्चे क्या बन गए? क्लाइंट। और वो जो बीच में टीचर आ गया जो सबको कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, वो बन गया सर्वर। मतलब कम्युनिकेशन तो अभी सब आपस में कर भी सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं कर सकते। किसके माध्यम से करेंगे? सर्वर के माध्यम से करेंगे। बीच में टीचर आके बैठ गया, गॉट इट? समझ में आया? दोनों आर्किटेक्चर समझ में आए? जब सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए स्वतंत्र हो, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। जब बीच में एक सर्वर लगा दिया जाए, सर्वर कुछ और नहीं है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही है। जब बीच में एक सर्वर हो और बाकी सारे कंप्यूटर उस सर्वर के माध्यम से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है सर, चले आगे। भैया नेटवर्क के प्रकार, अब नेटवर्क समझ में आ गया, नेटवर्क क्या है। अब नेटवर्क कितने प्रकार का है? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली तीन ही तरह का होता है वैसे तो, लैन, मैन, वैन। पर आजकल की जो व्यवस्था है, आजकल जो एडवांस वर्जन चल रहा है, उसमें ये दो और जुड़ गए आपके सामने, पैन और हैन। कहीं कहीं कैन भी है ना, तो मेन बेसिकली तीन है, लैन, मैन, वैन। उसके बाद तो पैन, कैन, हैन, बहुत सारे बन गया अलग। अब जरा इन नेटवर्क्स के बारे में देख लेते हैं कि भैया ये नेटवर्क कौन से हैं। पहला नेटवर्क लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या काम है इसका? लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे इसके नाम से पता लग गया, जहां पर एक अपने लोकल एरिया में कनेक्टिविटी करनी हो, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग में आपस में सारे कंप्यूटर आपको जोड़ने हो, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे ऊपर नीचे आपको कंप्यूटर्स जोड़ने हो, तो कौन सी नेटवर्किंग का यूज करते हैं हम लोग? लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। जहां पर एक साइज आपको पता है कि इट इज 1 किलोमीटर एरिया, कि इस 1 किलोमीटर के एरिया में मुझे सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने हैं, वहां पे हम लैन का यूज करने वाले। जैसे आपकी कंप्यूटर लैब एक ही कमरे में रखे हैं ना, एक बड़े हॉल में रखे हैं 50 कंप्यूटर, सब आपस में कनेक्ट कर दिए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग आपस में कनेक्ट कर दिए, 50 कंप्यूटर यहाँ थे, 50 कंप्यूटर वहां थे, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। गॉट इट? एक्सटेंडेड अप टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक के एरिया में आप लोग लैन को आराम से यूज कर सकते हैं। अब देखो ये सारे पता है खाली लेंथ की वजह से अलग अलग हो गए। लैन की जो लेंथ है, आप उसको 1 किलोमीटर के एरिया में आप जिस भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करोगे, जिसके कंप्यूटर्स को जोड़ोगे, वो सब लैन के अंतर्गत आएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में आएंगे। यानी लोकल एरिया नेटवर्क की लिमिट कितनी है? 1 किलोमीटर। अगर तुम्हें 1 किलोमीटर से ज्यादा की नेटवर्किंग करनी है या 1 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया कवर करना है, तो लैन से कवर नहीं होगा। तो कौन सी नेटवर्किंग होगी? वो होगा मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। देखो ये लैन है, बीच में सर्वर आ गया, आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, इजी टू यूज होता है। आपको इसमें एक और कंप्यूटर जोड़ना है, ये लो भाई साहब, एक कंप्यूटर लगाया, ला के हफ्ते जोड़ दिया, है ना? इजी टू यूज, इजी टू इंप्लीमेंट, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आ गया भाई साहब मैन। अब जहां तुम्हारे पास 1 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज बढ़ी, वहां पे हमने किसका इस्तेमाल कर दिया? मैन का, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का। जैसे आपका केबल टीवी, भाई केबल टीवी वाले का कनेक्शन दो अलग अलग शहरों में भी होता है ना, दो अलग अलग गांवों में भी है ना। उसने सेटअप अपना यहां लगा रखा है,
यहां से उसने इधर की सिटी भी कवर कर ली, इधर की भी सिटी कवर कर ली, सामने की भी, तो उसने क्या करा, पूरा का पूरा एरिया कवर कर रखा है, और वो एक किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है। दैट इज कॉल्ड मैन। जहां आपको दो सिटीज को कनेक्ट करना हो, दो शहरों को कनेक्ट करना हो, दो एरिया को कनेक्ट करना हो, वो सारा क्या है, मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। दो सिटी या पूरी की पूरी एक सिटी आपको कवर करनी है, वो मैन के अंतर्गत आएगी। इसके बाद आ गया भाई साहब पैन, नाम से भी इसके देख लो पता चल रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो पहले डिवाइसेस को कनेक्ट रहता है। इस नेटवर्क की रेंज काफी बहुत ज्यादा छोटी होती है, 10 मीटर तक की होती है। 10 मीटर कितना होता है यार, एक रूम, हाँ शायद 2 रूम। 10 मीटर तक पैन के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर को ही कनेक्ट किया जाता है, इसके लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क कुछ ही डिवाइसेस को अलाउ करता है, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस एक्सेट्रा। इस नेटवर्क की खोज थॉमस जिमरमैन ने की थी। सिंपल, इसको आप ऐसे मान के चलो, आपके फोन में नेट चल रहा है, आपने क्या करा, अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। अब हॉटस्पॉट ऑन करते आपका दूसरा फ्रेंड यूज कर पा रहा है ना, विद इन अ 10 मीटर रेंज। अब ऐसा नहीं है ना, वो थोड़ी सी और दूर चला जाए बंद हो जाएगा काम करना, तो उस एरिया में जितने लोग हैं, छोटे एरिया में, 10 मीटर तक के एरिया में जब सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल क्यों कहा गया, क्योंकि भाई 10 मीटर मैं पर्सनल कर रहा हूं, तो इससे बाहर कोई जाएगा नहीं ना 10 मीटर से, तो 10 मीटर के अंदर में मेरे सारे दोस्त हो सकते हैं, मेरे घर वाले हो सकते हैं, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक लैपटॉप है 10 मीटर की रेंज में, सब लोग आपस में कनेक्ट हो गए, इसी से हेडफोन भी चल गया, इसी से माउस चल रहा है, प्रिंटर चल रहा है, सब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। रेंज इज 10 मीटर। एडवांटेजेस क्या है भैया पैन की, इसमें अलग से किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके नेटवर्क को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, ये नेटवर्क किसी भी तरह के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, इस नेटवर्क को यूज करना काफी ज्यादा आसान होता है, और इस नेटवर्क को सेटअप करने में ज्यादा खर्चा नहीं आता, सस्ता सुंदर टिकाऊ है। अब आ जाओ भैया होम एरिया नेटवर्क, हैन। हैन क्या है, एक घर में नेटवर्किंग। एक घर में हो सकता है भाई 2 फ्लोर 3 फ्लोर पे 2 भाई 3 भाई रह रहे हो, सबने अपने अलग अलग कंप्यूटर लगा रखे हैं, एक ही केबल से, एक ही घर में इंटरनेट कनेक्शन एक है, उसी से सबने कनेक्ट कर लिया एक ही घर के अंदर, दैट इज कॉल्ड होम एरिया नेटवर्क। ठीक, हैन की फुल फॉर्म होम एरिया नेटवर्क। एक ही घर में सभी लोग एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम हैन नेटवर्क कहते हैं। ये नेटवर्क बिल्कुल भी पर्सनल नहीं होते, क्योंकि इनका यूज कोई एक व्यक्ति नहीं करता। इस नेटवर्क के द्वारा हम घर की सभी डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि को कनेक्ट कर सकते हैं। इस नेटवर्क की रेंज 100 मीटर से कम होती है। हैन को क्रिएट करने के लिए मॉडम और राउटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी सर, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं समझाने के लिए। एडवांटेजेस, घर के किसी भी कोने में बैठकर आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, इसके द्वारा आप वीडियो को देखने के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, घर के किसी भी कोने में बैठकर डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, घर के सभी लोग इस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। अब आ गया भाई साहब वैन असली, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इंटरनेट है, और इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ वैन। वाइड एरिया नेटवर्क को ही इंटरनेट कहते हैं। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। वैन वह नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइस को आपस में जोड़ता है, इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि यह नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री की कनेक्टिविटी के लिए होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंटरनेट, मैंने अभी आपको बताया, दुनिया के किसी भी कोने से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। एक कंट्री को दूसरे कंट्री के नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस नेटवर्क का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। जब बहुत सारे नेटवर्क मिलते हैं तो इंटरनेट बनता है, तो अलग अलग कंट्रीज के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम
जुड़ के जो नेटवर्क तैयार हो रहा है वो इंटरनेट है, वो वाइड एरिया नेटवर्क है, कि इस कंट्री का नेटवर्क और इस कंट्री का नेटवर्क आपस में जुड़ गया दोनों, वाइड एरिया नेटवर्क है ना। तो इसकी रेंज जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ दे वो वैन है, वो वाइड एरिया नेटवर्क है। गॉट इट? देखो ये अलग अलग नेटवर्क हो गए, एक नेटवर्क, दो, तीन, चार, सारे नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, बन गया वैन। फिर यही वैन जब विस्तृत रूप में चला गया, बढ़ता गया बढ़ता गया, तो वो इंटरनेट बन गया। ठीक है जी। लैन, मैन, वैन, पैन, कैन। पैन कैन तो नहीं पढ़े खैर हमने, पर हैन तो पढ़ा हमने है ना, और पैन भी पढ़ा। तो ये सारे समझ में आए आपको, पांचों नेटवर्क समझ में आ गए। अब बात आती है भाई साहब हम नेटवर्किंग करें क्यों, क्या जरूरत है नेटवर्किंग की? अगर नेटवर्किंग नहीं करते तो हमारा क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा। तो नेटवर्किंग की आवश्यकता क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग? तो सबसे पहला फायदा रिसोर्स शेयरिंग। हम यहाँ पर रिसोर्स शेयर कर पा रहे हैं। कौन सी रिसोर्स शेयर कर पा रहे हैं? भाई मान लो मेरे पास एक प्रिंटर है, मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं। अब यार एक कंप्यूटर की कॉस्ट मिनिमम 20,000 रुपये तो है ना, 2,00,000 रुपये के कंप्यूटर आए। एक प्रिंटर अगर मैं खरीदने जाऊं, इट विल कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज, 10,000 का एक प्रिंटर आने वाला है, 10 प्रिंटर 1,00,000 रुपए के आएंगे। तो क्या करूं भैया, मैं 10 प्रिंटर खरीद के लाऊं? 10 कंप्यूटरों पे प्रिंटर लगाने के लिए 10 प्रिंटर थोड़ी खरीदने वाला हूं। रिसोर्स शेयरिंग, सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे करो, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दो और एक कंप्यूटर पे प्रिंटर जोड़ दो। तो रिसोर्स क्या है? प्रिंटर। एक ही प्रिंटर को बाकी सारे 9 कंप्यूटर यूज कर पाएंगे। This is called resource sharing. दूसरा file and data sharing. किसी एक बच्चे को मैंने दे दिया, भाई साहब एक काम करो तुम ये 100 पेज की फाइल लिख दो। It will take time, है ना? वो बहुत टाइम में लिखने वाला है। क्या करा मैंने 10 बच्चों को 10 पेज दे दिए कि भैया ये 10 तुम, ये 10 तुम, ये 10 तुम, ये 10 कंप्यूटर है, सब बैठ जाओ अलग अलग और पेपर लिख दो। सबने 10-10 फाइल लिख दी, 10-10 पेज लिख दी आराम से कम टाइम में। फाइल शेयर कर लो, फाइल शेयर करके सब बच्चों की उठाई फाइल आपस में कनेक्ट कर दी, 100 पेज की फाइल तैयार, दिन मिनट फाइल शेयर कर सकते हो आप। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट था ऐसे सॉफ्टवेयर कॉस्ट है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लेने जा रहा हूँ या एक विंडोज का सॉफ्टवेयर खरीदूँ या एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदता हूँ, इट विल कॉस्ट अराउंड 4,000-5,000 रुपीज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4,000-5,000 रुपये का आएगा। 10 कंप्यूटर के लिए 50,000 रुपए के तो नहीं खरीदने वाला हूँ यार, क्या करूँ? सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग पर करा, एक कंप्यूटर पर डाल दिया, बाकी सारे कंप्यूटर उसी सॉफ्टवेयर को यूज कर लेंगे जितने भी लैन पे हैं, है ना? तो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर का भी हम कॉस्ट और मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग क्या भैया? इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग जैसे आप देख ही रहे थे, किसी एक कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाओ बाकी सब शेयर कर लेंगे। तुम्हारे फोन पे इंटरनेट चलता है तुम शेयर कर लेते हो, हॉटस्पॉट ऑन कर दोगे बाकी सब यूज कर रहे हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से तो हो रहा है, अगर दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट ना हो तो कैसे यूज कर पाएंगे? इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग कर सकते हो। यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जैसे पबजी। यस, पबजी खेला ना बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट, अब तो खैर बैन हो गया, पहले तो पबजी खेल रहे थे ना, अब उसके जैसे और दूसरे बहुत सारे गेम आ गए हैं शायद। तो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क पे ही तो खेल रहे हो, ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क पे गेम खेले जा रहे हैं। यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस, वो गेम्स जो नेटवर्क पर चल रहे हैं उनका इस्तेमाल कर पाते हैं हम लोग नेटवर्क के थ्रू। तो ये कुछ नेटवर्क के फायदे थे। तो आज हमने नेटवर्किंग का कुछ बेसिक पढ़ा कि नेटवर्किंग है क्या, आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग कितने टाइप की होती है और हर नेटवर्किंग के क्या फायदे हैं, थोड़े थोड़े से हमने ये पढ़ लिए। तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे, आज की इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और JEE क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।